उस फाउंटेन से दो जेट्स निकल रही हैं एक वेलोसिटी है एक वेलोसिटी है ठीक है ठीके? और दोनों की स्पीड कितनी है पांच मीटर पर सेकेंड अब बोलता है ये दोनों जो ट्रेजेक्ट्रीज आपको पता चल रहा है ये बेसिकली फाउंटेन से जो दो चीज़ें निकल रही हैं दो फ्लूड्स की धाराएं निकल रही हैं तो ये दोनों के दोनों जो स्प्रेज हैं ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और आपको निकालना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा वहां पर जब मिलेंगे तो क्या आप इस पॉइंट में बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन है आप इसको समझ सकते हैं जिस भी पॉइंट पे ये मिलेंगे क्या उस पर इनकी इनका जो कोऑर्डिनेट होगा अगर मैं इस पॉइंट को इनके कॉर्डिनेट्री को जीरो को हम जीरो मान लेता हूँ तो बेटा यहाँ पर ये ये पॉइंट दोनों ट्रेजेक्ट्री पे लाए कर रहा होगा एक ही टाइम पे तो इसी तरह से इसको ध्यान में रखते हुए बस हम ट्रेजेक्ट्रीज को इक्वेट कर सकते हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री अगर पहले वाले की मैं बात करूँ तो एक ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी आपको पता है कि एक प्रोजेक्टाइल में जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है उसमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशंस कितनी होती है वो होता है वाई वन इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा तो x, 10 theta, 10 theta की हम यहाँ से जगह हम मान लेते हैं टेन बीटाइनस बीटाजेड बच्चो तो ये हो जाएगी एक ट्रेजेक्ट्री और दूसरी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी वाईजिकल टू एक्स टेन अल्फा माइनस ऑफ हाफ जी इंटू एक्स स्क्स स्क् बच्चों आपको एक्स की वैल्यू चूंकि एल दी हुई है और वाई दोनों का सेम है दोनों एक ही हाइट पे लाई करेंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों चीजें बराबर रहेंगी इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू प्रजेंटेड तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि एक्स टेन बीटा ओके ब्रैकेट माइनस टेन अल्फा आप देख पा रहे दोनों को मैंने बराबर कर दिया और सारे कैलकुलेशन ले लिए हैं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाफ जी बायू स्क्वायर एक्स स्क्वा और ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों दोनों को हमने बराबर चूकी किया है तो इधर वाले को हम इधर लेके जाएंगे और यहाँ से डेटा आ जाएगा आपके पास आ, वन अपॉन स्क्वायर बीटा ओके स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ वन अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्रेजेंटेड बच्चों ये इक्वेशन बन जाएगी आप यहाँ से देख सकते हैं एक से एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा एक ठीक है और यहाँ से हमारे पास में यू की स्पीड आपको कितनी दी हुई है पांच मीटर पर सेकेंड दी हुई है सारे एंगल अल्फा दिए हुए हैं और आपको निकालना क्या है डिस्टेंस uh, एल निकालनी है तो एक्स की वैल्यू हुई तो एल है दिस इज क्योंकि इस मोमेंट पे जो ये पार्टिकल बेसिकली यहाँ पर जा रहा होगा दैट एल की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी टू यू से डेटा आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वा इन टू कॉस स्क्वायर बीटा ओके और डेटा साथ में नीचे क्या आ जाएगा टेन ऑफ बीटा माइनस टेन ऑफ अल्फा बच्चों पता है कि अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई थर्टी डिग्री और सिक्सटी डिग्री तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अल्फा की वैल्यू थर्टी डिग्रीज है बीटा की वैल्यू सिक्स डिग्रीज आपको दी हुई है और एल्फा और बीटा जो कि सिक्सटी डिग्री दिया हुआ है तो आप आराम से डायरेक्टली आपको एक और चीज दी हुई है यू की वैल्यू फाइव मीटर पर सेकेंड दी हुई है और जी की वैल्यू आपको पता है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है आप ये सारा डेटा इसमें पुट कर सकते हैं यू विल गेट द आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू तो बच्चों यहाँ पर इस वैरायटी के जो सवाल होते हैं इसको अपन को डील करने के लिए सिर्फ ये देखना पड़ता है कि ट्रेजेक्ट्रीज का लोकेशन पॉइंट कौन सा है और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक्स